हेलो गाइस, दिस इज सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर मेरा ये लुक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबाना है, रेड कलर के बॉक्स को करना है क्लिक और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियो जल्दी और सबसे पहले मिल सके। अगर मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने आज मेकअप लुक क्रिएट किया है आप लोग के साथ, वैलेंटाइंस मेकअप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस को मैं फ्रेश करने के लिए इस यूज कर रही हूँ ज्वेल्स का टोनर। ये मेरी स्किन को थोड़ा सा फ्रेश लुक देगा। मैंने इसे दो तीन स्प्रे कर लिया अपने फेस पे और हल्का सा मसाज करूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी जेल्स का सीरम अपने फेस को मॉइस्चराइजर करने के लिए। तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे, अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए। ओके, मैंने इसे अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ करी लॉरिया का फाउंडेशन। इसे मैं ब्रश की हेल्प से डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मुझे बहुत ही सेयर कवरेज चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इसे डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, हाईलाइट कंसीलर है जैसे अपने लो वाटर लेसेस के नीचे। मैं ब्रैकेट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए नोज पे, आईलिप्स पे सिप्रेस की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। डैप डैप करके करना है, रफली नहीं खींचना वरना हमारा कंसीलर है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो मैंने इसे डैप डैप करके रफली ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं इसे सेट करूँगी अपने लूज पाउडर से। तो इसे मैं ब्रश की हेल्प से डैप डैप करके इसे सेट कर लूँगी। ओके, तो मैंने इसे अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं सिवाना पैलेट में से लूँगी येलो टोन का बनाना पाउडर। इसे मैं अंडर आइज के नीचे येलो टोन का टेक्सचर दूंगी। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आई शेडो के लिए ब्राउन शेड। इसे मैं इनर कॉर्नर पे ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। इसे मैंने हल्का ब्राउन शेड का दे दिया है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर ब्राउन शेड। मैट के बाद मैंने यूज़ किया है ग्लिटर का, तो इसे भी मैं अप्लाई कर लूँगी अपने आई लैसेस पे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्राउन शेड। सिर्फ मैं इनर कॉर्नर पे ही ब्राउन शेड दूँगी, पूरे आईलिप पे नहीं देना है। तो मैंने साइड के डायरेक्शन में इसे हल्का सा ब्राउन शेड दिया है। उसके बाद मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आप चाहे तो आईब्रो पाउडर से भी इसे फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पेंसिल से हेयर ड्रॉ कर रही हूँ अपने आईब्रो को। फिर इसके बाद यूज़ करूँगी स्केच लाइनर। आप चाहे तो यहाँ लिक्विड लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए लास्ट तक अप्लाई करूँगी।
फिर उसी डायरेक्शन में मैं इसे थोड़ा सा थिकली अप्लाई करते चलूँगी ताकि मेरा जो आईलाइनर है बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट लगे। इनर कॉर्नर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँगी ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट की तरह लगे। और मेरा लाइनर है वो थोड़ा बोल्ड लगे। ओके, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ काजल। फिर मैं अपने सिवाना पैलेट में से यूज कर रही हूँ ब्राउन सेट जो मैंने यूज़ किया था, उसी को मैं थोड़ा सा अपर लैशेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्करा। मैं इसे दो तीन कोट अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे कोई फेक लैशेस नहीं करना है इसलिए। उसके बाद मैं यूज़ के कॉन्टोर के लिए ब्राउन से, ये थोड़ा सा ब्राउन और पिंक मिक्स है ताकि आपका जो है वो थोड़ा सा पिंक भी लगे और ब्राउन भी लगे। फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि देख रही है पिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन ब्लश पाउडर। इससे जो एक लाइन आ जाएगा और बहुत ज़्यादा पिंक नहीं लगेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अब देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। ओके, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। मैं आईब्रो को नीचे से हाईलाइट करूंगी। हल्का सा नोज पे, अपर लिप्स के ऊपर, चिक्स पे, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स के लिए रेड लिक्विड लिपस्टिक। तो मैंने इसे हल्का से डब कर लिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का सेट, थोड़ा सा अपने रेड को लाइट करने के लिए। तो मेकअप इज़ कम्प्लीट, मेरा वैलेंटाइन डे इज़ मेकअप रेडी।